देखो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें तुमसे कह रहा है गुणनफल निकालो, मतलब कि प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई तुम कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका इस एक्स की मल्टीप्लाई से भी और इसकी मल्टीप्लाई 10 से भी, ठीक है, दोनों से करोगे। जब एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब एक्स की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो क्या निकल के आएगा, 10x। आया भाई समझ में? अब इसके बाद देखो, 4 की मल्टीप्लाई एक्स से करो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4x। और 4 की 10 से करोगे तो 4 × 3 कितना बन जाएगा, 40। यहाँ मैंने क्या करा, इसकी भी दोनों से मल्टीप्लाई करी, इसकी भी दोनों से मल्टीप्लाई करी। आ गया ना समझ में? हाँ भाई पक्का। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स वाली है, मतलब सेम टर्म है, सेम टर्म वाली आपस में या तो प्लस हो जाएगी या फिर माइनस हो जाएगी। तो 10 और 4, 10 और 4 कितना हो गया यहाँ पे इन दोनों का टोटल, 14x + 40। अब ये दोनों आपस में क्या जुड़ सकती है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर वाली है और ये सिर्फ एक्स वाली है, तो स्क्वायर वाली में एक्स वाली कभी नहीं जुड़ती आपस में। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ में आया भाई? पक्का? और संभल के जो गिराएगा, जिसने गलती से भी गिरा दिया वो ये नहीं बोलना गलती से गिरा दिया, वो अगले दिन मेरे को सरप्राइज ला के दे देना, 30,000 का फोन। 30,000 का बिल लिखो इसका, अरे हम 10,000 का यूज नहीं, 10,000 में 30,000 का। तो इसमें भी कलवा आ रहा है फिल्टर वाला। तेरे लिए कोई क्रीम बनी है, नहीं बनी है। इसके सेकंड क्वेश्चन में चाहो तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ मल्टीप्लाई इसकी से, लेकिन उसने क्या कहा है, सर्व समीका। सर्व समीका, सर्व समीका मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। तो इसको फॉर्मूले से तुम्हें सोल्व करना है। अब फॉर्मूला सुनो कैसा होता है बेटा, फॉर्मूला हमारे पास होता है कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स की स्क्वेयर ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स और ए और बी। भाई ये फॉर्मूला, इसको रट्टा लगा लेना या याद कर लेना, अब इसको याद समझ लेना, कुछ भी कर लेना। समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है? अब ध्यान से देखो, एक्स की जगह तो एक्स है, दिख रहा है ना सभी को, ए की जगह क्या है, ए किसके बराबर है, 8 के। फिर एक्स की जगह क्या है, एक्स, और बी किसके बराबर है, 10 नहीं -10, क्योंकि हम माइनस भी है ना, तो माइनस लेना जरूरी होता है। लगा कलवे में भाई, समझ में आ गया, x बराबर है x के, 8 बराबर है a के और b बराबर है -10 के। अब हमें मालूम है इसका फॉर्मूला ये होता है, तो हम सीधा वैल्यू रख देंगे। x की जगह क्या रखना है, x ही रखना है। जल्दी से बताओ a की जगह क्या रखना, चेक कर लो क्या रखना भाई, a की जगह 8, तो a की जगह 8 रख दिया। b की जगह क्या रखना, जल्दी से देखो, b की जगह रखना -10 ब्रैकेट क्लोज x की जगह x, और यहाँ a और b, a की जगह 8 और b की जगह में 10, वो भी माइनस का। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, भाई प्लस माइनस, माइनस 10 में से 8 गया, क्या बचेगा, माइनस का 2 और साथ में एक्स। अब यहाँ देखो 8 × 3 कितना बन जाएगा, 80। अब अगले स्टेप में हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x - 80, ये हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन है। अच्छा देखो, फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एक्स की स्क्वेयर ए प्लस बी, और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे आ गया ए और बी। तो ये पूरा जो फॉर्मूला है ना, इस पूरे फॉर्मूले को मैंने क्लोज कर दिया कि भाई हमेशा जब भी ऐसा आएगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। अब बस ये सोचो तुम्हें रखना क्या है, भाई एक्स की जगह तुम्हें क्या रखना है, जल्दी से बताओ, 3x। एक्स की जगह क्या रखना है, ये ए की जगह क्या रखना है, देखो ए किसके बराबर है, 4 के बराबर। फिर x किसके बराबर है, 3x के, और b किसके बराबर है, किसके बराबर है भाई, तो b जो है 5 नहीं -5 के बराबर है। इतना तो समझ में आ गया। अब भाई ये जो वैल्यू तुम्हें, ये तो याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला इसके अंदर रख देनी। अब कैसे रखोगे, ये जो x है, x की जगह मैंने क्या रखने को बोला, 3x की स्क्वायर। फिर प्लस a की जगह क्या रखने को बोला, 4। b की जगह रखने को क्या बोला है, 5। इस x की जगह रखने को बोला है 3x, प्लस की जगह प्लस a और b, ए की जगह 4 और बी की जगह -5, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीपल का साइन लगा दिया मैंने। अब तो आ गया होगा समझ में कैसे रखा है भाई। अब देखो यहाँ 3 का स्क्वायर है, बार बार बताया मैंने, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, और 3 × 3 कितना बनेगा, 9x² ये स्क्वायर दोनों पे होगी ना, तो 3 का तो 9 बन जाएगा, x का क्या बनेगा, x². अब इसके बाद यहाँ देखो 4 में से 5 गया, माइनस की वैल्यू बढ़ी है ना, तो माइनस का 1 बच जाएगा, और साथ में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3x, और 5 × 4 कितना बन जाएगा, 20 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे आ गया 9x² प्लस माइनस माइनस 1 × 3 से करोगे 3x - 20 का 20। क्या ये दोनों सेम टर्म है,
क्या ये दोनों सेम टर्म है? नहीं। क्या ये दोनों मतलब कुछ भी सेम टर्म नहीं है? जब कोई सेम टर्म नहीं बचता तो हम इसको बेटा आगे प्लस माइनस नहीं कर सकते, यहीं पे हमें छोड़ना पड़ जाएगा और ये हमारा क्या बन गया आंसर। बेटा तुझे बुरा नहीं लगता कलवे शब्द से तुझे बुरा नहीं लगता? बेटा वैसे सही है, और क्या क्या करना है, बुरा मानना भी नहीं इस बात का, कभी कोई चाहे कुछ भी बोले। वो वाली मूवी देखी तुम लोगों ने, शिवाजी द बोस? देखिए उसमें वो क्या बोलता है, कौन है वो हीरो, क्या नाम है उसका भाई, रजनीकांत अपनी माँ से बोलता है माँ मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया? तो उसकी माँ बोलती है बेटा अगर गोरा बनाती तो तेरे पे धब्बा लग जाता, तो गंदा हो जाता, काले पे पता नहीं चलेगा। सुना है ना भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसको वैसे तो तुम पुराने वाले फॉर्मूले से कर सकते हो जो मैंने अभी बताया था, लेकिन एक नया फॉर्मूला भी है। देखो जब दोनों सेम हो, फर्क किस चीज का हो, प्लस का और माइनस का, तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करते। हमारे पास एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो बराबर होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की। ये फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला है तो इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। समझ में आ गया भाई? सिंपल है। ये कब अप्लाई होगा? जब दोनों सेम हो, सिर्फ फर्क किस चीज का हो, एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो। अब तुम्हें क्या करना है भाई, ये a का काम करना है और ये b का काम करना है, तो a की जगह कितना रख देना है, y स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर, क्योंकि भाई देखो a की जगह क्या रखना है तुम्हें, y स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे उसकी भी स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगी। अब b की जगह जल्दी से बताओ क्या रखना है, b की जगह रखना है ये वाली वैल्यू 3/2, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। आया भाई समझ में? ये तो बन गया a की स्क्वायर, ये बन गया b की स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 × 2 से कर देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, y की पावर 4। अब यहाँ करेंगे तो 3 × 9 और 2 × 4 कितना बन जाएगा, 4। तो इसका आंसर ये निकल के आ गया। और भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, यहाँ की तरफ माइनस है और यहाँ की तरफ प्लस है, और बाकी पूरा सेम है। सेम है या नहीं है, ये भी और ये भी। जब सेम है और सिर्फ बात किसकी हो, प्लस की और माइनस की, तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए होता है और ये वाला क्या होता है, बी होता है। तो बेटा a की जगह क्या रख दोगे, 3 की स्क्वायर, और b की जगह क्या लिख दोगे, 2x की स्क्वायर। ऐसा लिख दोगे, नहीं लिख दोगे? अब 3 की स्क्वायर का मतलब इसको 3 × 2 = 6 मत कर देना। 3 की स्क्वायर क्या होती है, 3 की स्क्वायर का मतलब है 3 × 3 से करोगे, और 3 × 3 कितना बन जाएगा, 9। अब यहाँ देखो 2 की स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब ये दोनों सेम टर्म नहीं है तो यही हमारा आंसर मान लिया जाएगा, इसको यही छोड़ देंगे। इजी है ना ये?